और दोस्तों कैसी चल रही है आप सबकी? मजे में? अच्छा, स्कूल जब जाते हैं ना रोज स्कूल, स्कूल में जाते तो आप पढ़ाई करने के लिए हैं, लेकिन स्कूल जाकर सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? क्या खेलना, लगती है? खेलना। शर्मा के क्यों बोल रहे हैं? मुझे भी मालूम है, खेलना सबसे अच्छा लगता है, और जब खेलने का समय मिल जाए तो फिर तो मजे ही मजे, है ना? मैदान में जाकर आप क्या करते हैं? खूब जोर जोर से दौड़ते हैं, जी चिल्लाते हैं, एक साथ खेलते हैं ना? जी तो चलिए, आज एक ऐसी ही कविता को हमने लिया है, एक ऐसी ही पोएम को हमने लिया है जिसमें यही सारी बातें हैं, और ये आपकी किताब की पोएम है। ये देखिए, ये आपकी किताब, और इस किताब में ये पोएम है रनिंग एंड शाउटिंग। ठीक, रनिंग एंड शाउटिंग, ये है पोएम का नाम, ये किताब। और ये इस पोएम में ज्यादा क्या है, रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ना, थोड़ा सा रन मतलब दौड़ना होता है, रनिंग मतलब हुआ दौड़ रहा है या दौड़ रही है या दौड़ रही हूं या रहा हूं। ठीक है, मतलब दौड़ने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, दौड़ना मतलब रन। ठीक है, शाउटिंग भी ऐसे, शाउट शाउट मतलब चिल्लाना। ठीक है, तो शाउटिंग मतलब क्या हो गया, चिल्ला रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चिल्ला रही हूं, या फिर चिल्ला रहा है या चिल्ला रही है। ठीक है, तो रनिंग एंड शाउटिंग, पहले ही तो हम क्या करेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे। ठीक है, रिसाइट करेंगे इस पोएम को, और उसके बाद जो शब्द नहीं हमें समझ में आ रहे हैं उन शब्दों के मतलब समझेंगे, उनका अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कुछ नई नई चीजें आएंगी, कोई मुश्किल नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा। आई एम रनिंग बिकॉज आई एम लॉन्गिंग टू रन, आई एम नॉट इन अ हरी, आई एम रनिंग फॉर फन, आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड एंड आई रन डाउन द हिल एंड आई रन बाय द स्ट्रीम दैट कैन नेवर कीप स्टिल एंड आई रन इन द सन, आई रन एंड आई रन एंड आई रन एंड आई रन, आई एम शाउटिंग बिकॉज I am longing to shout. It's a lovely noise and there's no one about. I'm crossing the field and I'll shout down the hill. And I'll shout by the stream that can never keep still. I'll shout in the rain and I'll shout in the sun. I'll run as I shout, and I'll shout as I run. ठीक है, तो कितनी आसानी से ये तो हमने रिसाइटेशन कर लिया। आप सोच रहे हैं क्या बात है, तो इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं, जो टफ शब्द हैं, टफ मतलब कठिन, कठिन शब्द हैं, इनके मतलब अर्थ जान लेते हैं तो फिर आसानी से हम समझ जाएंगे कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द आ रहा है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मतलब लॉन्गिंग होता है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, उत्कंठा। अब स्ट्रॉन्ग डिजायर, उत्कंठा मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज जो आप, आपको करने को बहुत ज्यादा मन हो, कोई बहुत ज्यादा इच्छा हो, ठीक है, उस बहुत ज्यादा तेज इच्छा को क्या कहते हैं, लॉन्गिंग। वैसे तो लॉन्ग क्या होता है, लंबे को कहते हैं, तो लंबा और लॉन्गिंग ये नहीं है कि उसी से मतलब है। ठीक है, लॉन्गिंग अलग शब्द है, लॉन्ग अलग शब्द है। ठीक है, फिर अगला शब्द आता है हरी। हरी मतलब बड़ी जल्दी, बड़ी जल्दी, जी हाँ, यही लिखा हुआ है, बड़ी जल्दी। और हेस्ट, हेस्ट मतलब क्विक, जल्दी करना, कोई काम जल्दी करना, उसको हरी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हरी अप, जल्दी करो। ठीक, फन, फन मतलब मेरिमेंट, मेरिमेंट मतलब आनंद, मजा आना, एंजॉयमेंट। जैसे हम लोग कहीं घूमने गए तो क्या होता है, मजा आता है, तो उसको क्या कहते हैं, फन होना। ठीक, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मतलब पास टू दी अदर साइड, यानी पार करना। पार करना मतलब क्या पार करना, अब मान लीजिए नदी ही पार करनी हो आपको, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, नाव में बैठते हैं या स्विमिंग करके, स्विमिंग मतलब तैर के जाते हैं दूसरे, दूसरी तरफ, तो आप पार कर रहे हैं, या फिर आप किसी, कोई मैदान है, मैदान को पार कर रहे हैं, दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, है ना। तो उसके बाद आगे आता है फील्ड, फील्ड शब्द आया था, फील्ड यानी खेलने का, खेलने का ना जी, खेलने का मैदान तो फील्ड नहीं होता,
खेती की। खेती, हाँ खेती भी हो सकती है। खेलने के मैदान को क्या कहते हैं वैसे आपके स्कूल में होगा खेलने का मैदान? प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड, ठीक। तो फील्ड क्या हुआ फिर? मैदान। खेत जी, यहाँ देख लीजिए, फील्ड एंड एरिया ऑफ ओपन लैंड विथ मेनी प्लांट्स एंड क्रॉप्स। प्लांट्स यानी पौधे, क्रॉप्स यानी फसलें, मैदान खेती की जमीन, उसको कहते हैं क्या? फील्ड, ठीक। अब आया हिल। हिल मतलब पहाड़ी। पहाड़ी छोटी पहाड़, स्मॉल माउंटेन। वो तो आपने देख के बोल दिया वैसे हिल होता है, हाँ बिल्कुल सही बताया। हिल मतलब अ स्मॉल माउंटेन, पहाड़ी। अब होता क्या है, बच्चे बोलते हैं हिल मतलब पहाड़, पहाड़ नहीं होता है। पहाड़ जो है वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को कहते हैं, वो माउंटेन होता है, ठीक है। और जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हिल, ठीक। यही फर्क होता है, समझ में आया? ओके। स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब, स्ट्रीम मतलब होता है छोटी। स्ट्रीम अ स्मॉल रिवर, छोटी नदी, ठीक। स्मॉल रिवर, छोटी नदी। जो नदी होती है वो तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो छोटी छोटी नदियां बहती रहती हैं, अगर आप पहाड़ों में चले जाइए वहां भी छोटी छोटी पहाड़ी नदियां बहती हैं, छोटी होती हैं लेकिन बहुत प्यारी प्यारी, धीमे धीमे बहुत जल्दी जल्दी बहती रहती हैं, ठीक है। तो वैसे ही छोटी नदियां यहाँ पर भी मिलती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? स्ट्रीम। आगे चलते हैं, स्टिल। स्टिल मतलब शांत, शांत, चुप, साइलेंट, ठीक। स्टिल, साइलेंट, शांत, चुप, स्टिल हो जाना। अगर हम कहें स्टिल, चुप, बिल्कुल शांत, हिलो नहीं, डुलो नहीं, ठीक, उसको कहते हैं स्टिल। स्टिल जैसे अक्सर होता क्या है क्लास में, आप लोग जब बहुत शोर मचाते हैं तो टीचर क्या कहते हैं? स्टिल, स्टैंड स्टिल, मतलब बिना हिले डुले खड़े रहो। स्टैंड स्टिल, स्टैंड मतलब खड़े होना, ठीक। लवली, लवली मतलब ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, कोई प्यारा प्यारा सा चीज, कोई प्यारी सी चीज हो उसको क्या कहेंगे? लवली, ठीक। नॉइज, नॉइज यानी लाउड अनप्लेजेंट साउंड, यानी शोर। लाउड अनप्लेजेंट साउंड मतलब, अनप्लेजेंट मतलब जो कानों को अच्छा ना लगे, सुनने में अच्छा ना लगे, वो प्लेजेंट नहीं है, अच्छा नहीं है। लाउड मतलब जोर से कोई आवाज हो और वो कानों को अच्छा ना लगे, जोर से हम इसको पटक दे अच्छा लग रहा है वो आवाज, या कोई बहुत लोग चिल्ला रहे हैं जहां पर भीड़ भाड़ में, ठीक है, तो उसको कहते हैं नॉइज या शोर। आगे चलते हैं शाउट। ये तो हमने शुरू में आपको बता दिया, शाउट अ लाउड क्राय यानी चिल्लाना, ठीक। तो ये सारे शब्द तो इनमें थे, इस कविता में थे। इन शब्दों के अगर हमने मतलब समझ लिए फिर कविता समझना क्या बड़ी बात है। तो हम वापस यहाँ कविता की तरफ आते हैं, ठीक है, अब समझ लेंगे आराम से। आई एम रनिंग बिकॉज, रनिंग बता दिया, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि। यहां पर एक शब्द आया है आयन, आयन, ये कुछ समझ में आ रहा है? आई, उसके ऊपर एक कुछ कॉमा कॉमा नहीं लग रहा है, लेकिन कॉमा तो नीचे लगता है, तो ये क्या है? ये जो ऊपर लगा हुआ है आई, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। जब भी कोई कॉमा तरीके का कोई साइन हो, चिन्ह हो, जो कॉमा जैसा दिखता है या कॉमा ही दिखता है लेकिन जो ऊपर हो, नीचे नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे? एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी किस लिए इस्तेमाल होता है? सोचिए, फॉर्म के लिए, शॉर्ट, किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कोई भी चीज अगर है उसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म क्या चीज होती है? शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट मतलब छोटा, नाटा, फॉर्म रूप, छोटा रूप, ठीक है। किसी भी शब्द का छोटा रूप उसको शॉर्ट फॉर्म कहेंगे, समझ में? तो ये आई एम मतलब एक्चुअली होता है आई एम रनिंग बिकॉज, मैं दौड़ रहा हूं क्योंकि। आई एम लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब लंबा नहीं, इच्छा, इच्छा, वो भी बहुत तीव्र इच्छा, बहुत ज्यादा इच्छा, मन हो रहा हो कि बस हम करेंगे। आई एम लॉन्गिंग टू रन, मुझे मन हो रहा है कि मैं दौड़ू। आई एम नॉट इन अ हरी, नॉट मतलब नहीं, नहीं, मैं, हरी मतलब जल्दी, जल्दी, मैं जल्दी में नहीं हूँ। आई एम रनिंग फॉर फन, मैं दौड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड, मैं एक
फील्ड मतलब मैदान को पार कर रहा हूं. एंड आई रन डाउन द हिल एंड आई रन डाउन. डाउन मतलब नीचे, हिल मतलब छोटी पहाड़ी, ठीक है. तो मैं पहाड़ी से नीचे दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ नहीं, आई रन डाउन द हिल मतलब मैं पहाड़ी से नीचे दौड़ूंगा. अब ये क्यों बोला मैंने, सोचिए यहाँ क्या शब्द आया, आयल. आयल, आयल मतलब आई विल या आई शैल. वो जल्दी में बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, आयल. तो वो अपोस्ट्रोफी यहाँ लग गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया आई शैल या आई विल का. तो ये यहाँ पर हो गया अपोस्ट्रोफी और आयल हो गया. तो एंड आई रन डाउन द हिल मतलब आई विल रन डाउन द हिल, मैं हिल यानी पहाड़ी से नीचे दौड़ूंगा. एंड आई रन बाय द स्ट्रीम, बाय द स्ट्रीम मतलब नदी के पास पास, ठीक है, नदी के साथ साथ. मैं नदी के साथ साथ दौड़ूंगा, आई विल रन मतलब मैं दौड़ूंगा. दैट कैन नेवर कीप स्टिल, स्ट्रीम मतलब छोटी सी नदी, वो कभी शांत तो नहीं बह सकती, शांत नहीं रह सकती है ना छोटी नदी, वो तो बहती रहती है. नदी में पानी कभी भी एक जैसा नहीं रहता, तालाब में पानी रुका रहता है लेकिन पानी बहता रहता है नदी में, ठीक है. एंड आई विल रन इन द सन, सन मतलब सूरज, मैं सूरज की रोशनी में दौड़ूंगा. आई विल रन एंड आई विल रन मतलब मैं दौड़ूंगा और मैं दौड़ूंगा. एंड आई विल रन एंड आई विल रन मतलब मैं और दौड़ूंगा और दौड़ूंगा, ठीक है. फिर क्या, आई एम शाउटिंग बिकॉज, मैं चिल्ला रहा हूं क्योंकि आई एम लॉन्गिंग टू शाउट, मुझे बहुत मन हो रहा है चिल्लाने को. इट इज अ लव, इट्स अ लवली नॉइज. अब एक और नया आ गया, इट्स अ लवली नॉइज. इट्स, इट्स मतलब इट इज, इट इज को शॉर्ट फॉर्म में जल्दी में बोलने जाएंगे, इट इज इट इज इट इज इट्स हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए अपोस्ट्रोफी फिर से लग गया यहाँ पर. इट्स अ लवली नॉइज, एक तो नॉइज के बारे में हमने कह दिया था कि जो है शोरगुल, जो कानों को अच्छा ना लगे, लेकिन जब बच्चे शोर मचाते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इसे लवली नॉइज कहा गया है, प्यारा है, है ना. इट्स अ लवली नॉइज. आई एम क्रॉसिंग द फील्ड, मैं मैदान को पार कर रहा हूँ. एंड आई शाउट डाउन द हिल, मैं वही लाइन है फिर से कि मैं पहाड़ी से नीचे दौड़ूंगा, दौड़ूंगा नहीं चिल्लाऊंगा. एंड आई शाउट बाय द स्ट्रीम, मैं नदी के पास पास चिल्लाऊंगा. That can never keep still. वही नदी, छोटी नदी जो चुप नहीं रहती, कहीं शांत नहीं रहती, बहती रहती है. I'll shout in the rain. Rain मतलब बारिश. बारिश में भी चिल्लाऊंगा. And I'll shout in the sun. और जब सूरज चमकेगा तब भी मैं चिल्लाऊंगा. I'll run as I shout. मैं दौड़ूंगा जब मैं चिल्लाऊंगा. And I'll shout as I run. और मैं चिल्लाऊंगा जब मैं दौड़ूंगा, ठीक है. ये अच्छा आप पढ़िए, आप पढ़िए ये लाइन. I am running because I am longing to run. I am not in a hurry. I am running for fun. I am crossing a field. Very good. अब देखिए यहाँ पर run और fun, ये जो है मिलते जुलते हैं, तुकबंदी है. इनको क्या कहते हैं पता है, इनको कहते हैं rhyming words. Rhyming words हमेशा कविता में हम लोग इस्तेमाल करते हैं rhyming words को. अब आप पढ़िए नीलम, ये आगे पढ़िए. I'll run down the and I'll run down the hill and I'll run by the stream. Stream. हाँ. That can never keep still. हाँ. And I'll run in the sun. I'll run and I'll run. And I'll run and I'll run. अब बताइए, आप बताइए नीलम कि आपने जो पढ़ा यहाँ पर कोई rhyming words मिले आपको? Hill, still, है ना नीलम? है ना? Fast. ठीक. वैसे ही sun and सन के बाद क्या होगा? रन, रन, ठीक है. सन, रन, रन, ये हो गए राइमिंग वर्ड्स. कविता में तो राइमिंग वर्ड्स ऐसे तुकबंदी वाले शब्द यानी तुकांत शब्द वो इस्तेमाल होते हैं. अब आगे फैज आप पढ़िए. I am shouting because I am longing to shout. Good. It's a lovely noise and there's no one about. I am crossing the field and I'll shout down the hill. अब आप बताइए फैज, इसमें कौन से वो words, वो शब्द है जो rhyming है? Shout और about. About. Shout about. नीलम अब आप आखिर में पढ़िए. And I'll shout by the stream that can never keep still. 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 हाँ. I'll shout in the rain and I'll shout in the sun. I'll run as I shout and I'll shout as I run. और इसमें क्या है बताइए, तुकबंदी वाले, तुकांत वाले शब्द? Sun और run. Sun और run. Very good. तो आपकी भी समझ में आ रहा है ना कि poem जब भी होती है उसमें
क्या इस्तेमाल होता है? तुकबंदी या राइमिंग वर्ड्स, इनको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब हमें समझ में तो आ गया, समझ में आ गया तो क्यों ना इसको याद भी कर लिया जाए, मुश्किल है ना, तो गा के करें ना हम लोग। ठीक है, जब हम गा के करते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाता है। आई एम रनिंग बिकॉज आई एम लॉन्गिंग टू रन, आई एम रनिंग बिकॉज आई एम लॉन्गिंग टू रन, आई एम नॉट इन अ हरी आई एम रनिंग फॉर फन, आई एम नॉट इन अ हरी आई एम रनिंग फॉर फन, आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड, एंड आई रन डाउन द हिल एंड आई रन डाउन द हिल एंड रन बाय द स्ट्रीम, दैट कैन नेवर कीप still and I'll run in the sun, that can never keep still and I'll run in the sun, keep nahi keep still nahi keep still, theek hai fir se, that can never keep still and I'll run in the sun, that can never keep still and I'll run in the sun, I'll run and I'll run and I'll run and I'll run, I'll run and I'll run and I'll run and I'll run, I'm shouting because I'm longing to shout, I'm shouting because I'm longing to shout, it's a lovely noise and there's no one about, it's a lovely noise and there's no one about, I'm crossing the field and I'll shout down the hill, I'm crossing the field and I'll shout down the hill, and I'll shout by the stream that can never keep still, and I'll shout by the stream can that can never keep still. Okay, and I'll shout by the stream that can never keep still, and I'll shout by the stream that can never keep still, I'll shout in the rain and I'll shout in the sun, I'll shout in the rain and I'll shout in the sun, I'll run as I shout and I'll shout as I run, I'll run as I shout as I'll run as I shout and I'll shout as I run. I'll run as I shout and I'll shout as I run. बिल्कुल. Shout as I run. अच्छा ऐसा करते हैं, हो तो रहा है लेकिन इसको आप पक्का करने के लिए आप एक स्टैंजा लाइए, आप एक स्टैंजा. चलिए आप शुरू करिए. नीलम. I am running because I am longing to run. I am not in a hurry. I am running for fun. I am crossing a field. अब फैज आगे आप बोलिए. And I'll run down the hill. And I'll run by the stream that can never keep still. And I'll run in the sun. I'll run and I run and I run and I run. आगे नीलम आप. I am shouting because I am longing to shout. It's a lovely noise and there's no one about. I am crossing the field and I'll shout down the hill. And I'll press. And I'll shout by the stream that can never keep still. And I'll shout in the rain and I'll shout in the sun. I'll run as I shout. And I'll shout as I run. ठीक? तो आप साथ साथ मिलकर गाएं? याद हो जाएगा पक्का. 1 2 3 स्टार्ट. I'm running because I'm longing to run. I'm not in a hurry. I'm running for fun. I'm crossing a field and I'll run down the hill and I'll run by the stream that can never keep still and I'll run in the sun. I'll run and I'll run and I'll run and I'll run. I'm shouting because I'm longing to shout. It's a lovely noise and there's no one about. I'm crossing the field and I'll shout down the hill. And I'll shout by the stream that can never keep still. I'll shout in the rain and I'll shout in the sun. I'll run as I shout and I'll shout as I run.